फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे गूगल एडसेंस पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें गूगल एडसेंस में अपनी जो आईडी को वेरीफाई कराना होता है। तो कैसे हम जो है गूगल एडसेंस में अपने आईडी को वेरीफाई करवाएं, वो भी अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ़ोन से भी अपने गूगल एडसेंस पे जो है अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं, अगर आपके $10 कंप्लीट हो चुके हैं। पर फ्रेंड्स, आजकल हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास $10 कंप्लीट नहीं हुए आपके गूगल एडसेंस पे, उससे पहले भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको देख रहा होगा, ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप $10 होने से पहले भी आप अपने जो है गूगल एडसेंस पे जो अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखते हो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता होगा, गूगल पे जो गूगल एडसेंस पे जब भी हमारे $10 कंप्लीट होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक एक्शन बटन मिल जाता है। तो वहाँ पे हमें अपने जो है आईडी को जो है वेरीफाई करना पड़ता है, हमारी जो आइडेंटिटी है। तो सिंपल सा, ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप जो है अपने गूगल एडसेंस पे अपनी आईडी को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को जो है वहाँ पे वेरीफाई करा सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करते हो, यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस में जो है लॉगिन हो जाना है, आपका यूट्यूब चैनल जिस आईडी से आपने क्रिएट किया उस आईडी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलता है, जैसे आप एक्शन बटन पे क्लिक करते हो तो वेरीफाई का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल सा इसे टैप करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसे टैप करते हो तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे सिंपल आपको सबसे पहले इसे जो है क्लिक करना है। तो फिर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी आईडी से आप यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, वो सेम एड्रेस नेम आपको इसमें डालना है। तो जैसे मेरा नाम रवि अधिकारी है, जो सेम है वही मैं डालता हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और वो फ़ोटो कैसी होगी ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पिक्सल लैब ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले इमेज साइज़ जो है सेलेक्ट करनी है, 1000 और 700। तो जैसे ही सेलेक्ट होती है, इसके बाद फ्रेंड्स जिस भी आईडी से आप यहाँ पे वेरीफाई होना चाहते हो, उसको आप फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो क्लिक कर लो कुछ इस तरीके की, आगे और पीछे, चाहे आप वहाँ वोटर आईडी कार्ड से हो, पैन कार्ड से हो, या पासपोर्ट, कुछ इस तरीके की फ़ोटो खींच के उसको आपको क्रॉप करके यहाँ पे आ जाना है, ये फ्रंट वाला है। इसके बाद आपको बैक साइड का भी एक सेम फ़ोटो जो है क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको पिक्सल लैब में उसमें थोड़ा सा जो है क्रॉप करके कुछ इस तरीके से, और ये भी बहुत बारीकी से आपने करना है फ्रेंड। तो इस तरीके से इसे आपने जो है क्रॉप करके इसमें सेटिंग कर देनी है, एकदम अच्छे से बारीकी से। इस तरीके से आपने जो है इस इमेज को क्रिएट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये इमेज जो है अभी हमने वहाँ पे इसे अपलोड करना है। और फ्रेंड्स, आपको इसको रेशो जो है वो सेम रखना, 1000 और 720, आपने इस रेशो पे इसको जो है फ्रेंड्स सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इसमें जो है आपको बारीकी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जो है गलत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये आप इसे ठीक कर लेते हो तो इसे सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो है सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने जो है यहाँ पे, हमने इस इमेज को जो है अब सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, ये इमेज जो है मैं यहाँ से इसे ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं इसे सबमिट करता हूँ, अब आप फ्रेंड्स देख रहे होगे नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, और मैंने जो है इमेज भी इसमें अपलोड कर दी है। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं इसे सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सबमिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है इन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा जो है वेरीफाई हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अभी आप देखोगे, जैसे मैं इसे थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन जो है आपका इन प्रोसेस में है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कैसे जो है आप गूगल एडसेंस पे अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हो। बिल्कुल सिंपल स्टेप में मैंने आपको बताया, वो भी आप अपने फ़ोन से ही अपनी जो है गूगल एडसेंस पे जो है अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके।